from class 3 to 5 performing step group dance. या फिर वो साहित्यकारी का काम तो काम ही है।
चुप रहेंगे ताकि डॉक्टर साहब अपनी बात कह सके। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कहिए। ठीक है जय सिंह जी, मेरी बात लिट्ठूलाल कहेगा। बिट्टो, आज डॉक्टर साहब अपने नए और युगांतकारी शक्ति किरण के बारे में आप लोगों का अच्छा कपट दूर हो जाता है और वो आदमी सत्य बोलने लगता है, झूठ नहीं बोलता। गवाही पेश कीजिए। अरे हवलदार साहब, आप इसके प्रमाण बन सकते हैं और गवाही दे सकते हैं। डॉक्टर का गवाह नहीं बना मैं। अरे डॉक्टर साहब, दिमाग तो कवियों की परीक्षा के लायक होता है, उनसे पूछो, उनसे पूछिए। मैं भाई साहित्यकार होने के नाते विज्ञान से अपने आप को पृथक ही रखना चाहता हूँ। इसके लिए तो हमारे जीरा सिंह साहब जैसे डॉक्टर का नहीं, मेरे मतलब कहाँ से आदमी ही ठीक रहे। भाई मैंने 35 साल पुलिस में नौकरी की है, पर दिमाग से मैंने बहुत ही कम काम लिया है, पता नहीं इसका कोई मतलब है या भी नहीं। जीरा सिंह साहब, मैं समझ रहा हूँ आप लोग अपने जीवन में से छिपाना चाहते हैं, इसीलिए डर रहे हैं। डॉक्टर साहब जितनी की आनी चाहिए, जैसे प्रयोग की सफलता और इसकी विशेषता। वैसे आप लोग तैयार हो जाइए। मिठू नाथ, यस सर। तुम स्वीकार करो। यस सर। अब सब सच बोलेंगे। बताओ, बताओ, क्या अपराध है? जितने भी बड़े बड़े अपराधियां हैं उनको तो मैं पकड़ता ही नहीं।
मैं अपना वादा निभाऊंगा। सत्य किरण तो मेरी मुट्ठी में है और बिना प्रमाण के तो मिठुलाल कुछ भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन एक शर्त है, वो क्या है? छोड़ेंगे और सच्चाई ईमानदारी से दिएगे। डॉक्टर साहब, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे मालूम हो गया मैं कितनी गलत थी। मैं आज साफ सबके सामने वादा करती हूँ, मैं सच्चे दिल से लोगों की सेवा करूंगी। बस आप मेरा राज बाहर मत जाने दीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी आप लोगों से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से पूरा ईमानदारी के साथ मैं अपनी पुस्तकें खुद लिखूंगा और उसे खुद प्रकाशित करूंगा और स्वयं अपनी कृति फैलाऊंगा। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश और समाज को हानि पहुंचे। यही थी हमारे आविष्कार की उपलब्धि। हमें नाम का स्वरूप नहीं मिला तो क्या हुआ? इस सत्य केंद्र के द्वारा यदि हम कुछ लोगों को सुधार सके तो ये हमारी तरफ से हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अवदान है। ये है सत्य।
वेलकम यू टू द फार अवे फ्रॉम भुवनेश्वर द अबोड ऑफ द लॉर्ड लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स लैंड रेन सुप्रीम ईच एंड एवरी नेशन इट हैज पास एंड रीच द इंटरनेशनल एरिना एंड द डांस दैट इज Thank you.
Thank you.